एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार की कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद इसे अब आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। हालांकि आगे अभी सरकार के लिए इसे पूरी तरह से लागू करना चुनौती साबित हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इस पर मोदी कैबिनेट को दे दी है, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूर भी कर दिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है, इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। एक देश एक चुनाव के लिए सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा, क्योंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे। इसके लिए ये तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा, यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा, यानी 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, जिसने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर कानून राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेन चंद्रा समिति में शामिल थे। भारत के लिए यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। समिति ने 191 दिन तक राजनीतिक दलों और विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। 8 सदस्यीय समिति ने आम लोगों से राय ली और आमंत्रित की थी। आम लोगों की तरफ से 21,558 सुझाव मिले। इसके अलावा 47 राजनीतिक दलों ने भी अपनी राय और सुझाव दिए, जिनमें 32 ने इसका समर्थन किया था। कुल 80% सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में आए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वालों की दलील है कि इसे अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। ये अलोकतांत्रिक संघीय ढांचे के विपरीत क्षेत्रीय दलों को अलग अलग करने वाला और राष्ट्रीय दलों को वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा। ये कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने का अंततः सबसे अधिक फायदा बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को होगा, और छोटी पार्टियों के लिए एक साथ कई राज्यों में स्थानीय और लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान चलाना कठिन हो सकता है। कांग्रेस पार्टी सारे देश में साथ ही चुनाव करवाने को सही नहीं मानती है। उच्च स्तरीय कमेटी के समक्ष रखे अपने विचारों में पार्टी ने कहा, एक साथ चुनाव करवाने से संविधान के मूलभूत ढांचे में बड़ा परिवर्तन होगा। पार्टी ने कहा था कि ये संघीय ढांचे की गारंटी के विरुद्ध और संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ होगा। कांग्रेस ने इस तर्क को निराधार बताया कि चुनाव कराने का खर्च बेहद ज्यादा होता है। पार्टी ने कहा कि ऐसे किसी देश में एक साथ चुनाव कराने की योजना की जगह नहीं है, जहां पर सरकार चुनने के लिए संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। जो बिल पार्लियामेंट में लेकर आए, एक बिल लेकर आए लैटरल एंट्री का, उसमें आरक्षण की कोई प्रावधान की स्थिति नहीं थी, उस बिल को विड्रॉ किया। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, उसको विड्रॉ किया।
तो सरकार घोषणा करती है, फिर यूटर्न लेना पड़ता है। अभी दो दिन पहले इन्होंने एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है और कैबिनेट से पास कराया। उस दिन जहां जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हो रहा था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये शगुफा छोड़ा है। और हर बार की तरह इस निर्णय को भी सरकार को यूटर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्या बल चाहिए पार्लियामेंट में, इतना बहुमत उनके पास है नहीं, और किसी से सलाह नहीं, किसी दल से, किसी नेता से। इतना बड़ा देश है, अगर कल मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं तो क्या पूरे राज्यों में दोबारा चुनाव होंगे? और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग परिस्थिति हैं, अलग अलग टाइमलाइंस हैं, अलग अलग समय है, मौसम, कैसे संभव है? और बिना चर्चा के आपने उसको पारित कर दिया, लेकिन ये कारगर होना लगभग असंभव है। और हम सब जो विपक्ष की पार्टी के लोग, इंडिया अलायंस के लोग हैं, इसके विरोध में हैं। तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए घोषणा करी गई है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। ये जुमला है 15 लाख रुपये, 2 करोड़ लोगों को प्रतिदिन रोजगार, उसी तरीके का एक जुमला ये है, क्योंकि हमने देखा महिला आरक्षण का सब दलों ने पास करके राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये लागू कब होगा। ये तो पास ही नहीं होगा लोकसभा और राज्यसभा में, और ये संविधान का संशोधन कर नहीं पाएंगे। ये केवल देश में इनके खिलाफ जो माहौल बन गया कि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए और किस तरीके से झूठ बोल करके सत्ता हथिया ली, तो अब उस माहौल को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, अपनी एंटीगमेंसी मिटाने के लिए ये इस तरीके के जुमले लेकर के आ रहे हैं। राजस्थान की हम बात करें तो उपचुनाव तक, पंचायती राज के निकायों के चुनाव तक ये लोग नहीं करा पा रहे हैं। ये हालत राजस्थान के अंदर है, देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 4 स्टेट के इलेक्शन ये नहीं करा पा रहे हैं, तो देश को जो भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को खारिज किया था। उसने कहा था कि ये संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। सीपीएम ने भी इसको खारिज किया था। पार्टी ने जोर देते हुए कहा था कि एक साथ चुनाव कराने का विचार मूलभूत रूप से लोकतंत्र विरोधी है और संविधान से मिले संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ पर हमला करता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने हाई लेवल कमेटी के आगे पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं किया था, लेकिन उसने इसको लेकर चिंता जताई थी। कुछ एक्सपर्ट्स भी एक साथ चुनाव के विचार से सहमत नहीं है। देश भर में चुनाव एक साथ कराने का विचार संभावित तौर पर राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता का उल्लंघन कर सकता है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है, जो भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है, जहां राज्यों को विधायी और कार्यकारी स्वायत्तता हासिल है। वन नेशन वन इलेक्शन ने एक नई बहस पूरे देश में छेड़ दी है। हालांकि बीजेपी और केंद्र सरकार इसे जनता के लिए, देश के लिए सही करार दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें या कुछ अन्य दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसे देश के लिए गलत बता रहे हैं, संविधान को खतरा तक इससे बता दिया है। हमारे साथ में राजेंद्र शेखावत जी मौजूद हैं। भाई साहब, चर्चा के दौरान आपने एक विषय का उल्लेख किया था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे साल 2014 में, तो जनवरी 2015 में, यानी कि उनके एक साल बाद ही, जब शायद इस विषय की 8 महीने बाद, जब शायद इस विषय की उतनी चर्चा नहीं होती थी जितनी आज हो रही है, अब तो कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, उस समय आपने एक पत्र लिखा था और वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ज़रूरी है देश के लिए, वो आपने मोदी जी को भी बताया था। वहाँ मेरे इस पर फेसबुक पर भी आज भी है, 16 जनवरी 2015 का। तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो हमारा कंसेप्ट है, जिसको अडॉप्ट किया है, मैं समझता हूँ इस देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में चुनावी बुखार हमेशा चढ़ा रहता है। आज कोई भी सरकार होती है, जो आने वाले समय में राज्यों में चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, निकायों के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो जो भी कार्यक्रम, नीतियाँ, योजनाएँ जो बनती हैं, वो निश्चित रूप से उसमें प्रभावित होती है। वो क्षेत्र के कारण से, वहाँ के धर्म के कारण, वहाँ की जाति के कारण, वहाँ की व्यवस्था के कारण से सरकारें कई ऐसे विकास की योजनाएँ होती है, उनको कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके दिमाग में चुनाव की जो गतिविधि होती है वो आती है, और निश्चित रूप से उसका विकास के ऊपर बहुत असर पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, पूरे देश में एक कार्यक्रम, नीति और योजना के हिसाब से लोग अपनी सरकार को चुनेंगे, तो निश्चित रूप से 5 साल वो सरकार काम कर पाएगी। अभी स्थिति क्या हो रही है कि चुनाव आज
तीन राज्यों के हो गए, वहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है, वहाँ कोई भी विकास की योजना पूरी तरह से नहीं लागू हो सकती है, जनता के कल्याण के काम नहीं हो सकते हैं। कोई बीच में मैं आपको टोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, जिस प्रकार से राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए थे, तुरंत विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हम लोकसभा चुनाव में चले गए, तो लगभग आचार संहिता के दौरान राजस्थान में नई सरकार आने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। निश्चित रूप से उसका आचार संहिता का चुनाव आयोग का बाध्यता है, उसको कोई भी राजनीतिक दल है वो संविधान की पालना करता है और उसके मन में यही बात होती है कि हम नियम कायदों से चलें, तो आचार संहिता लगने के बाद पूरा विकास ठप हो जाता है, पूरी ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से काम करने लग जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे देश की विकास का रास्ता है वो खुलेगा, और एक जो हमारा खर्चा था, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था चुनावों के अंदर, वो उससे बचेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब हो ही नहीं सकते चुनाव। क्यों नहीं हो सकते, जब 1952 से लेकर 1967 तक पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, तो बल तो अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं, साधन बढ़ चुके हैं और नई नई तकनीकें अब हमारे पास आ चुकी है, तो हम क्या, हमारा देश इतना भी सक्षम नहीं है क्या हम चुनाव नहीं करा सकें? तो ये तर्क बिल्कुल उचित नहीं है और तर्क संगत भी नहीं है, इसलिए चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, इससे निश्चित रूप से जनता लाभान्वित होगी और एक जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा जो बार बार चुनावों पे खर्च हो रहा है, संसाधनों पे खर्च हो रहा है, चुनाव की प्रक्रिया पे खर्च हो रहा है, प्रचार में खर्च हो रहा है, राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय स्तर पर वो उनके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें उनको भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो इन सब को देख कर हम ये कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो अच्छा कंसेप्ट है, देश के हित का कंसेप्ट। भाई साहब, आपने जिन चार सालों का आपने जिक्र किया, जो चार तिथियां आपने बताई, उस समय देश में कांग्रेस का शासन था, तो फिर आज ऐसी क्या वजह आपके हिसाब से आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है? अन्य पार्टियां तो कर ही नहीं, लेकिन कांग्रेस जिसने अपने चार टर्म में एक साथ देश में चुनाव कराए हैं, वो आज इसका विरोध किस वजह से कर रही है, क्या डर है उन्हें? वो उनको बेसिकली क्या है कि कांग्रेस की स्थिति अभी पूरी तरह से मैं समझता हूँ संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति है, नेतृत्व का अभाव है दूसरी बात उनके पास में, और जनता अभी उनके साथ नहीं है, तो वो ये मानते हैं कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव हुआ तो उनके पास इतना संगठन और इतने संसाधन नहीं है कि वो जाके पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ सकें, राज्यों का चुनाव लड़ सकें, तो वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस तथ्य को आगे ला रहे हैं। ये थे हमारे साथ राजन शेखावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब देश में चार बार एक साथ चुनाव हो सकते हैं, वो भी उस समय जब हमारा देश इतना विकसित नहीं था और उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, आज हम 21वीं सदी में हम कार्य कर रहे हैं, हमारे पास तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई नई चीज़ें हैं, तो क्यों हम आज इस एक देश एक चुनाव का जो कंसेप्ट है उसे पूरा ना करें? और अब कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई तो बहुत जल्द हम देखेंगे कि हमारे देश में भी एक साथ सभी जगह चुनाव होंगे, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, पैसे की बर्बादी रुकेगी, जनता के जो होने के जो काम है वो समय पर होंगे, अधिकारियों को आचार संहिता का जो बहाना मिल जाता है एक तरीके से अपनी मनमानी करने का, वो मनमानी रुकेगी, और साथ ही साथ कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही है इस बारे में, जाहिर सी बात है उसके पास इस समय ऐसा लगता है कि उतने संसाधन नहीं है कि वो पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ सके और अपनी पार्टी को जीत दिला सके, शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार। एनडीए के कई घटकों सहित बीजेपी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश में स्थिरता आएगी, इससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी, एक राष्ट्र एक चुनाव से सत्ताधारी पार्टियों को शासन में फोकस करने, नीति निर्माण में सुधार करने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे मतदान में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे, मतदान की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी, बार बार चुनाव के बजाय एक ही बार में चुनाव कराने से पैसे और समय की बचत भी होगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर ये राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है, बार बार इलेक्शन होता है, बार बार गवर्नमेंट की मशीनरी का उपयोग भी होता है,
आचार संहिता लगती है बार बार, मुझे लगता है इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि हम एक वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन हो। बहुत अच्छा डिसीजन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, कैबिनेट का, और मैं बिल्कुल इसको पूरा सपोर्ट करती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए, साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में कराए जाए। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत भी करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न बढ़े। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देकर भी बता सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।